मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा हुआ है फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। और इसके पार्ट वन में एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें, अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 2a² b प्लस 2ab² माइनस 8 टाइम्स abc ने फिर माइनस 2 टाइम्स abc लिखा हुआ है। तो हमने इसे फैक्टराइज करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखें यहाँ पर 2a² b और प्लस 2ab² हमने लिख दिया। ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों के साइन सेम है। ये कोफिशियंट्स ऐड हो जाएंगे, 8 और 2 ऐड होकर 10 बन जाएगा और इनका वेरिएबल जो है वो ए बी सी ये है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन तीनों टर्म में से 2 तो तीनों का कॉमन फैक्टर आ सकता है, ए इन तीनों में है, बी इन तीनों में है, तो 2ab हम कॉमन ले लेंगे। जब हम फर्स्ट टर्म को 2a² b को 2ab से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में ए मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ हमारे पास आएगा ए, उसके बाद अगर हम 2ab² को डिवाइड करते हैं 2ab के साथ तो b सिंपल रह जाएगा, 2a और b एक कैंसिल हो जाएगा फैक्टर। इसी तरह माइनस 10abc को जब आप डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5c आ जाएगा, क्योंकि a और b कैंसिल हो जाएंगे और c बच जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है फिलिंग दी ब्लैंक में हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट में मैंने लिखा है एक्सप्रेशन ये आएगा। अब जो इस क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जी। इस सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो a पावर 4 b पावर 2 माइनस a² b पावर 4 लिखा हुआ है, और अगर वो कह रहे हैं इनमें से a² b² कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा आंसर में, ठीक है। तो इसकी वर्किंग जो है वो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हम इन दोनों जो टर्म्स हैं उनमें से a² b² कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एक है 4 फैक्टर्स हैं जिनमें से 2 फैक्टर कॉमन आए हैं तो 2 पीछे रहेंगे, b के 2 ही फैक्टर हैं जो कि हमने सारे ही कॉमन ले लिए इसलिए b नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड टर्म में देखें तो एक के 2 फैक्टर थे वो कॉमन आ चुके हैं, b के 4 हैं, 4 में से 2 कॉमन आए हैं, 2 रह जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें a² b² तो एज इट इज रहेगा, और ये जो a² - b² है इसको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखें तो a - b * a + b आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो फिलिंग दी ब्लैंक है उसमें एक में आ जाएगा a - b और एक में आ जाएगा a + b। इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई होता है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है इसका प्रॉब्लम, ठीक है, पार्ट वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो फैक्टर्स ऑफ x² y² + xy - 2 ये क्या होंगे, तो इसमें अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिखें तो वो -2x² y² बनता है। यानी अगर इसकी मिडिल टर्म देखी जाए तो उसको हम 2 के फैक्टर्स से ब्रेक कर सकते हैं, और उसमें हम यूँ करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 2xy, चूँकि 2 और 1 ये 2 के फैक्टर है, तो 2xy में से 1xy माइनस कर दिया जाए तो 1xy आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x² y² विद नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट 2 टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, xy इन दोनों में से, और इधर से एक एक फैक्टर x और y का बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, और इन दोनों में से हम -1 जो है इन दोनों का फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैं -1 लिख दूंगा तो विद इन ब्रैकेट xy + 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब xy + 2 जो है इसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे विद इन ब्रैकेट जो है xy आएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है एक्सप्रेशन हमारा ये फैक्टराइज हो गया है, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये xy + 2 एक फैक्टर आया है और दूसरा आया है xy - 1, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफाई होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 2 times a² a - b² और -a - b³। अब इसमें से वो ये कह रहे हैं अगर आप मतलब a - b² इन दोनों में से कॉमन ले लें तो हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, ठीक है। तो देखें अगर हम a - b² कॉमन लेते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली टर्म में 2 फैक्टर हैं, एक a - b² और एक 2 है, तो 2 बच जाएगा, और इधर से अगर आप देखें तो a - b के 3 फैक्टर हैं, 2 हमने कॉमन लिए और एक a - b बच जाएगा, ठीक है।
तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें 2 माइनस ए प्लस बी, जो ये एक फैक्टर है, ये अननोन है, मतलब ये इस क्वेश्चन के लिहाज से इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है ए पावर 4 माइनस 0.4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 0.04। हमने अब इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखें इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो टर्म फर्स्ट है ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखी हुई है, जबकि ये जो थर्ड टर्म है अगर आप इसको देखें तो इसको आप 0.2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 0.04 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो 4/100 होता है, ठीक है। 4/100 का मतलब है कि ये 2/10 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 2/10 जो होता है वो 0.2 होता है, ठीक है। इस लिहाज से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अगर लिखा जाए, यानी जैसा फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो जिसमें तीन टर्म्स आती हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2a और b क्या है 0.2। अब 0.2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। इट्स मीन कि अगर हम फार्मूला को क्लोज करते हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन आएगा, और लास्ट यानी इसकी सेकंड टर्म जो है 0.2 है और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम अगर मज़ीद फैक्टराइज्ड फॉर्म में देखें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0.2 फिर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 0.2। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है बी स्क्वायर बी पावर 2 यानी बी स्क्वायर माइनस 14b माइनस 72। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो देखें इसमें ए फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 72b² बनता है। अब 72 के फैक्टर्स में से हमने देखा कि 18 और 4 वो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 72 आता है, और अगर 18 माइनस 18 में ऐड कर लें प्लस कर दें 4 तो माइनस 14 आता है। यानी कि ये दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं मिडल टर्म ब्रेक की वो फुलफ़िल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस जो 14b है इसको ब्रेक करेंगे, इसके दो मतलब इसके टर्म बनाएंगे, एक बनाएंगे माइनस 18b और एक बनाएंगे प्लस 4b, और माइनस 72 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब पहली दो जो टर्म्स हैं इनमें से हम फैक्टर बनाते हैं, b कॉमन ले लेंगे, विद इन ब्रैकेट b माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो ये दो टर्म्स हैं इनमें से आप 4 कॉमन ले लेंगे प्लस 4, तो विद इन ब्रैकेट जो है b माइनस 18 आ जाएगा। अब b माइनस 18 को आप अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा फैक्टर जो है उसकी दो टर्म्स आ जाएंगी b प्लस 4। तो इस तरह से ये हमारे जो दो फैक्टर हैं वो आ जाएंगे, एक है b माइनस 18 और दूसरा फैक्टर जो है वो है b प्लस 4। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 7 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 5 - 12x + 7x². हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये लिखा हुआ है 7x², फिर इसके बाद -12x और प्लस 5, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट बनता है वो 35, क्योंकि 7 × 5 = 35x² आता है। अब 35 के अगर आप फैक्टर्स को देखें तो उसमें हमने ऐसे फैक्टर्स देखने जिनको ऐड करने से 12 बनता है, तो वो है 7 और 5, क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो बनता है 12, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 35, ठीक है। दोनों कंडीशन मतलब यहाँ पे फुलफ़िल होती हैं, तो हम इसको यूँ लिखेंगे 7x², ठीक है, -7x और -5x और +5। अब इन पहले दो मतलब जो टर्म्स हैं उनमें से 7x कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा विद इन ब्रैकेट, और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा एक फैक्टर। अब x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 7x - 5। तो हमने देखा कि इसके दो जो फैक्टर्स बने हैं उसमें एक फैक्टर जो है वो x माइनस 1 है, और जो दूसरा फैक्टर है वो 7x - 5 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ
जी नेक्स्ट पार्ट अगर देखें, पार्ट नंबर 8, इसमें 27 एक्स पावर 6 माइनस 125 वाई पावर 3 लिखा हुआ है. हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये 3x स्क्वायर जो है इसकी पावर 3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 3 का क्यूब लेंगे 27, एक्स स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो एक्स पावर 6 आएगा. इसी तरह 125 वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं 5 वाई का होल क्यूब, क्योंकि जब हम 5 का क्यूब लेंगे 125 आएगा और वाई का क्यूब लेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा. अब फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि हम यूँ कह सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, बराबर होता है ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो अब इस फार्मूला को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5y, यानी ये ए माइनस बी आ गया. अब हमने ए का स्क्वायर लेना, यानी 3x स्क्वायर का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9x की पावर 4 हो जाएगी. ठीक है, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ए और बी का, अब बल्कि यहाँ पे प्लस आएगा चूंकि ये माइनस का फार्मूला है, तो यहाँ प्लस ए बी है, तो प्लस ए और बी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट प्लस बी का स्क्वायर करना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 25 वाई स्क्वायर आ जाएगा. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमारा जो है वो कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ. जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें फिलिंग दी फॉलोइंग ब्लैंक्स लिखा हुआ है और इसका पार्ट वन जो है इसमें पूछा ये जा रहा है कि एच सी एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब एंड एक्स प्लस 2 वाई इज, यानी इन दोनों का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. तो अगर हम पहले वाले एक्सप्रेशन को देखें एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब, तो हम इसे अगर फैक्टराइज करना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं एक्स होल क्यूब प्लस 2 वाई होल क्यूब, चूँकि अगर 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा और वाई क्यूब आ जाएगा. अब इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर दो टर्म्स का हम यहाँ पे क्यूब ले रहे हैं, ए इसमें एक्स है और बी इसमें 2 है, 2 वाई है, तो ए प्लस बी मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 2 वाई, और फिर इंटू ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस ए और बी यानी कि एक्स और 2 वाई मल्टीप्लाई होंगे तो 2xy आ जाएगा, और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर. ठीक है, तो ये अगर हम लिखेंगे तो ये फैक्टराइज होता है. अब हम देख रहे हैं जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है एक्स प्लस 2y, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसमें से 1 ही कॉमन लिया जा सकता है और ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 2y. तो इनमें जो कॉमन आ रहा है, हाइएस्ट कॉमन जो इनका फैक्टर है वो एक्स प्लस 2y, जो दोनों एक्सप्रेशंस का फैक्टर है. तो एक्स प्लस 2y जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ. जी नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस 7a+10 एंड ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमने फाइंड करना है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों का, और अनकॉमन फैक्टर जो है या नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है. ठीक है, अब ये फ़र्ज़ करें फार्मूला है क्वेश्चन वन, इसमें पहला जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 7a+10, अगर हम इसको फैक्टराइज करें, देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 10 बनता है, तो 10 के फैक्टर्स में 5 और 2 आते हैं और इनको ऐड करने से 7 बनता है, तो हम यूँ लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 5a-2a, मतलब मिडल टर्म को, मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है, तो ये इस दो टर्म्स में डिवाइड हुई है. अब ए इन दो टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है, ए माइनस 5 और ए पहली दो टर्म के फैक्टर बनेंगे, इधर से हम माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट ए माइनस 5 आ जाएगा. अब ए माइनस 5 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो एक फैक्टर ए माइनस 5 और एक फैक्टर ए माइनस 2 आ जाता है. तो ये तो पहला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया. अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो कि है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6. ठीक है, अब इसमें भी इसी तरह के फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 6 आता है, 6 माइनस 6 ए स्क्वायर आता है. हमने ऐसे दो टर्म्स लिखे इनको सब्ट्रैक करने से ये आए, तो हम 3a-2a लिख देते हैं, क्योंकि 3 और 2 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं. हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस प्लस 3a और माइनस 2a और माइनस 6. ठीक है, अब पहली दो टर्म में से आप a कॉमन ले लें तो a प्लस 3 इसके फैक्टर बन जाएगा,
इधर से आप माइनस टू कॉमन लेते हैं तो ए प्लस थ्री इसका भी एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस थ्री जो है अगर आप इसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ए माइनस टू इसका दूसरा फैक्टर आ जाता है। तो अब देखिए फार्मूला जो है जैसे मैंने आपको बताया एलसीएम का, उसमें हमने दो चीज़ें लिखनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन वन बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन वन या दिस इम्प्लाइज इक्वेशन वन। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन वन, एच सी एफ यानी सॉरी कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसे फैक्टर जो दोनों में हैं वो है ए माइनस टू, इसमें भी लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है ए माइनस टू, वो हम इधर लिख लेंगे ए माइनस टू। अब वो फैक्टर जो के दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, वो एक है ए माइनस फाइव और इधर से एक है ए प्लस थ्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए माइनस फाइव, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस थ्री। तो ये जो तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये बेसिकली इन दोनों एक्सप्रेशन का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम है, जो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली कि ए माइनस टू इंटू ए माइनस फाइव इंटू ए प्लस थ्री। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके रिमेनिंग पार्ट्स और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे डिस्कस कर लूँगा। और चलें इसको हम यहाँ पे अभी कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ।